Assalamu alaikum students, welcome once again in our math class. I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the question number 9 of exercise 4.4. As you know guys, in previous class we have completed question number 8 of exercise 4.4. Now we are going to start this class with the question number 9. तो क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्लास में हमने बेटे सॉल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने डिवीजन जो है वो सीखी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम आपस में डिवाइड कैसे करते हैं. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम आपस में डिवाइड कैसे करते हैं. ठीक है, अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने ऐड करना भी सीख लिया, हमने मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया, सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लिया, और हमने लास्ट क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना भी सीख लिया. ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना हमें आ गया है, अब हम उससे और आगे एडवांस लेवल पे उससे रिलेटेड, डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 इस पे मार्क कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के. ठीक है, और इस एक्सरसाइज के स्पेशली, कि 5 नंबर का एक सवाल इनमें से आ सकता है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 में. ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं. आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 82 ओपन कर लीजिएगा, उसके अंदर आपके पास देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है. कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस. ठीक है, कह रहे हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से 2x^4 + 3x³ - x²-1 इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, कौन सी एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करें. ठीक है, कौन सी टर्म सब्ट्रैक्ट करें जो उससे एग्जैक्टली किससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, इससे x-2 से. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करानी पड़ेगी, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगी उसको जब x-2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है कि उसमें रिमाइंडर क्या होता है, उसमें रिमाइंडर होता है 0. ठीक है बेटे, तो इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन, कौन सी टर्म, क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट कराएं जो x-2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, मतलब सब्ट्रैक्ट कराने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगी उसको x-2 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो, उसका रिमाइंडर का 0 हो. लेकिन यहाँ पे हमें वो टर्म ही नहीं पता, अब अपनी मर्जी से तो नहीं करेंगे कि इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करा के चेक करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे. ठीक है, हम क्या करेंगे कि भाई इस एक्सप्रेशन को x-2 से डायरेक्ट डिवाइड कराएंगे, जो आंसर आ जाएगा इसका मतलब वो एक्सप्रेशन मिल जाएगी हमें, कि अगर उस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्ट कराएं तो जो एक्सप्रेशन आएगी, जो आंसर आएगा वो x-2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, अच्छा देखें, ये कॉन्सेप्ट और ये लॉजिक क्वेश्चन की अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आपने सिर्फ इतनी बात तो आपने समझनी है कि भाई अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कराना है और हमें आंसर मिल जाएगा. लेकिन जो आंसर मिलेगा वो एक्चुअली कौन सा आंसर होगा, कौन सी एक्सप्रेशन होगी जो हमें आंसर में मिलेगी, वो एक्सप्रेशन होगी जो ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें. तो इस इक्वेशन को जब इस एक्सप्रेशन को जब इस एक्सप्रेशन से डिवाइड कराएंगे तो डिवाइड कराने के बाद जो आंसर मिलेगा वो हमें टर्म मिल जाएगी, वो एक्सप्रेशन मिल जाएगी जो हमें सब्ट्रैक्ट करानी है. तो सब्ट्रैक्ट कराने के बाद जो आंसर हमें मिल जाएगा वो इस x-2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, x-2 उसका फैक्टर होगा कि उसको सॉल्व करेंगे उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा. लेकिन हमें सिंपल यहाँ पे काम ही करना है कि इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कराना है, डिवाइड कराने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा रिक्वायर्ड, हमें फिर उसको दोबारा से सब्ट्रैक्ट करा के फिर दोबारा से उसको डिवाइड करा के चेक नहीं करना. ठीक है, करेंगे तो आपका जो है वो जो है अगर कोई कंसर्न है वो फुलफिल हो सकता है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में इतना लंबा काम करना नहीं है, सिंपल काम ये करना है कि इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करा देना और हमें आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. सबसे पहले हेड डाल देंगे इसके सॉल्यूशन की, और आपको बेटे क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड कराना है. सॉरी, तो डिवाइड के लिए आपने डिवाइड का साइन बनाया और आपने जिस एक्सप्रेशन को डिवाइड कराना है उसको लिख देंगे डिवाइड के साइन के अंदर, और जिससे डिवाइड कराना है उसको लिख देंगे बाहर, और डिवीजन आपको बेटा आती है. ठीक है, अब आपके पास देख सकते हैं ये अंदर टर्म है 2x^4, इस x को कौन सी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाए 2x^4, इस x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाए 2x^4. तो इसका मतलब क्या है कि देखें सॉरी कि x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, लेकिन x^4 चाहिए तो x को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x^4 आ जाएगी. तो आपने पहली दोनों की फर्स्ट टर्म देखी कि 2x^4 है, अगर 2x^4 आपको चाहिए तो आपने x को किस से मल्टीप्लाई करना है, आपने बताया देखें 2 आ रहा है तो 2 तो चाहिए होगा, 2 आपने लिख दिया, फिर x^4 है, यहाँ पे x है तो x³ लिख दिया.
मतलब 2x³ को अगर x से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें मिल जाएगा 2x की पावर 4। क्या मिल जाएगा बेटा आंसर में? 2x की पावर 4। तो 2 वन 2, x³ को x से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें 2x³ को x से, तो आंसर आ जाएगा 2x की पावर 4। और आपको एक चीज़ और पता होगी कि यहाँ पे जो भी टर्म लिखेंगे, जिससे हम मल्टीप्लाई करा के अंदर टर्म लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो टर्म्स, जो एक्सप्रेशन डिवाइड, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, उसके अंदर जितनी भी टर्म होती है सबसे मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब इस 2x³ को सिर्फ x से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, इस 2x³ को -2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस 2x³ को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4x³ आ जाएगा। तो देखेंगे x³ वाली कोई टर्म है? बिल्कुल x³ वाली टर्म है, तो x³ के नीचे x³ वाली टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो आपने 2x³ लिखा, इसको x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2x³ को 2 से करें, आंसर आ जाएगा 4x³। मल्टीप्लाई करके जब दोनों को लिख देंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अब आपने इस, ये जो आपके पास आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, ये दो टर्म्स आ रही हैं, उसको ऊपर वाली एक्सप्रेशन से क्या कराते हैं? सब्ट्रैक्ट कराते हैं। और सब्ट्रैक्ट कराने के लिए हम साइन को करते हैं चेंज। ये 2x की पावर 4 है पॉजिटिव, इसको कर देंगे, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, 2x की पावर 4 पॉजिटिव थी, यहाँ पे आपने इसको कर दिया नेगेटिव, ठीक है, और माइनस 4x³ है, तो ये टर्म जो है नेगेटिव है, इसको क्या कर देंगे बेटा? पॉजिटिव, ठीक है। अब 2x की पावर 4 और 2x की पावर 4, ये दो टर्म है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, सेम टर्म है, सेम वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, इनको कर देंगे कैंसिल, ठीक है बेटे। अब ये देखें x³ और x³, ठीक है, ये 3x³ है 4x³, एक जैसी टर्म नहीं है, ठीक है, सेम टर्म नहीं है, तो देखें, और दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्लस प्लस प्लस, ये इसका मतलब, प्लस का मतलब क्या है? ऐड हो रही है, मतलब प्लस 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 4x³ नेगेटिव, तब क्या हो गया बेटे? ये टर्म हो गई पॉजिटिव, तो 3x³ प्लस 4x³ इनको करा देंगे ऐड, दोनों के साथ है x³, तो 3 प्लस 4 आंसर आ जाएगा 7, और उसके साथ x³, और दोनों के साथ बेटा प्लस की साइन है, तो आंसर में भी प्लस ही आएगा, और इसका मतलब कोई साइन नहीं, तो प्लस की साइन है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो 3x³ प्लस प्लस 4x³ आंसर आ गया 7x³, और बाकी जो दो टर्म है इनको एज इट इज नीचे उतार लेंगे, माइनस x² और -1, ठीक है बेटे। अब ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, अब इनको डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो कैसे डिवाइड करेंगे? फिर अब यहाँ पे देखा आपने 7x³ है, तो x को कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करें 7x³ आ जाए, और आप आंसर देख सकते हैं कि ये टर्म 7x³ है, तो 7x³ ही चाहिए होगा। 7x³ अगर आपको चाहिए तो ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म आपके पास क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको आंसर ऊपर जो चाहिए होगा मल्टीप्लाई कराने के लिए, जो टर्म चाहिए होगी, क्योंकि आपको आंसर पॉजिटिव में चाहिए, तो आपको वो टर्म भी पॉजिटिव चाहिए होगी, इस वजह से आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। तो 7x³ है, तो 7x³ है, x को किससे मल्टीप्लाई करें 7x³ आ जाए, तो उसके लिए आपने देखा पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव में चाहिए होगी, तो प्लस लगा दिया। फिर x³ है, x को x² से मल्टीप्लाई करते हैं, x³ आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको एक टर्म तो मिल गई, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे x³, लेकिन सिर्फ x³ नहीं चाहिए, 7x³ चाहिए, तो आपने यहाँ पे टर्म ले ली प्लस सेवन एक्स स्क्वायर आपने टर्म ले ली। तो अब 7x² को x से मल्टीप्लाई करें, 7x² को x से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा बेटा? 7x³, देख लेते हैं, प्लस 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 7 वन 7, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे x³, ठीक है। अब सिर्फ ये जो टर्म आपने लिखी है उसको सिर्फ x से मल्टीप्लाई करके थोड़ी लिखना होता है, फिर ये जो टर्म है उसको सेकेंड टर्म्स -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7x² को 2 से, 7 2 14x², ठीक है, 7x² को 2 से, 7 2 14x², ठीक है। ये आपने 7x² को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। उसके बाद अब इनको ऊपर वाली एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो इनकी साइन चेंज, 7x² पॉजिटिव है, 7x³ की टर्म ये पॉजिटिव है, इसको कर दिया नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इसको कर देंगे पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो अब 7x³ पॉजिटिव, 7x³ नेगेटिव, इनको कर दिया कैंसिल। कैंसिल करने के बाद अब देखा आपने कि भाई -x² और -14x², ये दोनों x² वाली टर्म है, -x² -14x² जो कि अभी टर्म हो गई ये पॉजिटिव, तो -x² प्लस 14x² इनको सॉल्व करना है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है भाई, माइनस प्लस माइनस x² और 14x² को माइनस करें, 14x² में से x² को माइनस किया, आंसर आ गया 13x², क्या आ गया बेटा?
13x² और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की प्लस की आती है क्योंकि बड़ी वैल्यू 14x² है, इसके साथ प्लस की साइन है तो यहाँ पे प्लस ही रहने देंगे। तो 14x² में से x² को माइनस किया, 13x² आ गया, साइन बड़ी वैल्यू की आएगी मतलब प्लस की साइन रहेगी, और यहाँ पे बच गया था बेटा -1, तो इस -1 को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, तो 13x² -1। फिर आपने देखा यहाँ पे x-2 है, ठीक है, तो अब आपने देखा कि क्या वैल्यू आ गई, 13x² -1। तो फिर अब इस x को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई कराना है कि 13x² आ जाए। तो उसके लिए आपने देखा कि भाई टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही टर्म चाहिए होगी, तो आपने लिखा प्लस, ठीक है, 13x² चाहिए, x को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 13x से, 13 × 1 = 13, x को x से करेंगे x², तो इसका मतलब 13x को x से करेंगे 13x² आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब 13x को सिर्फ x से नहीं करेंगे, 13x को -2 से भी करेंगे, तो प्लस 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 13x को x से किया मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया बेटा 13x² प्लस माइनस 13x को 2 से करेंगे आंसर आएगा 26x। तो बेटा x वाली ऊपर तो कोई टर्म नहीं है तो 26x आ रहा है, इसको लिख लेंगे साइड में, ठीक है, तो 13x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा -26x, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 13 × 2 = 26, एक्स जो है वो साथ में आ गया, क्योंकि ऊपर x वाली कोई टर्म नहीं है तो इस वजह से -26x को x के नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर कोई x वाली टर्म नहीं है, इस वजह से -26x को साइड में लिख लिया। अब यहाँ पे लगा देंगे लाइन ताकि अब इनको करा सकें हम सेपरेट, ठीक है। तो 13x² को दोनों से मल्टीप्लाई करा के लिख दिया, अब इनकी साइन चेंज करेंगे, 13x² पॉजिटिव है ये वाली टर्म हो जाएगी नेगेटिव, -26 है ये वाली, -26x है इसको हम कर देंगे +26x, 13x² पॉजिटिव, 13x² नेगेटिव, सेम टर्म एक पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर देंगे कैंसिल, ठीक है बेटे। उसके बाद ये देखें जो टर्म बच जाएगी वो यहाँ पे लिख देंगे, तो 26x नेगेटिव थी, अब क्या हो गई बेटे टर्म, साइन चेंज होने के बाद पॉजिटिव, तो 26x को पहले लिखेंगे, ठीक है, और ये -1 वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, -1 जो है ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब 26x - 1 क्या है आपके पास, 26x - 1, ठीक है। अब x को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो 26x आ जाए, आपको मैंने बताया था जो लास्ट में जो साइड में टर्म लिखते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं, रूपॉली टर्म -1 एज इट इज आ गई, यहाँ पे 26x पॉजिटिव आ रहा है, तो x को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें 26 आ जाए, ठीक है, x तो है, x आपको चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सिर्फ यहाँ पे +26 ले लें, क्या ले लें बेटा +26, 26 को x से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 26x, देखें ये टर्म आपको पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही चाहिए थी, तो इस वजह से आपने यहाँ पे +26 ले लिया। अब 26 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 26x, फिर आपको पता है दूसरी टर्म से ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो 26 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा +-, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें 52, ठीक है बेटे। फिर उनकी साइन भी चेंज करनी होती है, ये 26x जो है पॉजिटिव है क्या हो जाएगी बेटा ये टर्म नेगेटिव, ये 52 नेगेटिव है ये वाली टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव, सही है भाई, तो 26x पॉजिटिव 26x नेगेटिव ये दोनों टर्म हो गई कैंसिल। अब आप यहाँ पे देखें -1 और +52, अब आप क्या करेंगे -1 + 52 को आपने क्या करा, इनको करा सॉल्व, -+-, 52 में से 1 को माइनस करें आंसर आ जाएगा बेटा 51, ठीक है, और साइन किसकी आएगी हमेशा, साइन किसकी आएगी हमेशा बेटा बड़ी वैल्यू की, और बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा 52 पॉजिटिव है तो प्लस की साइन आएगी, तो -+-, 52 में से 1 को माइनस किया आंसर आ गया बेटा 51, और साइन बड़ी वैल्यू मतलब प्लस की साइन आएगी, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस की साइन यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर आ गया 51। इसका मतलब ये हुआ, ये डिवीजन आपने कर ली, क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट कराएं सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, तो वो किसके एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा x-2, तो आपने दोनों को डिवाइड करा के, दोनों को डिवाइड करा के देख लिया, रिमाइंडर आ रहा है आपके पास 51, इसका मतलब ये हुआ इस 51 को इस एक्सप्रेशन में से अगर माइनस करा दें, ठीक है, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगी उसको x-2 से जब डिवाइड करेंगे फिर उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब बात समझ में आई कि भाई वो क्या पूछ रहा था कि एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये है कि जब x-2 से डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर ना बचे, अभी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, आपने देखा
इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 51 आ रहा है। तो इसका मतलब ये अभी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है, इससे अभी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। इसको एग्जैक्टली डिविजिबल बनाने के लिए कौन सी टर्म सब्ट्रैक्ट करानी पड़ेगी, वो पूछ रहा था। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कौन सी टर्म सब्ट्रैक्ट करानी पड़ेगी एग्जैक्टली डिविजिबल बनाने के लिए। तो आपने डिवाइड करा के देख लिया, आंसर आ रहा है 51। तो इसका मतलब ये हुआ कि 51 अगर इस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करा दें तो x माइनस 2 से ये वाली एक्सप्रेशन एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी। मतलब 51 को इससे सब्ट्रैक्ट कराएं तो जो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी उसको x माइनस 2 से जब डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा इसका 0। ठीक है बेटे, कोई कन्फ्यूजन, क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया और आपको अलग से सब्ट्रैक्ट करा के दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बस वो क्या मांग रहा था, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट कराएं। तो आपने यहाँ पे वो टर्म कैलकुलेट कर ली, डिवाइड करके ये रिमाइंडर आ गया कि 51 इज द टर्म। ठीक है, कि अगर हम इस 51 को इस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो वो एक्सप्रेशन इससे एग्जैक्टली डिविजिबल बन जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट कराने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ये 51 इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 हमने किस तरह से सॉल्व किया, इसमें क्या करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटे, तो इसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैंने आपको जैसे बताया स्टार्टिंग में, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 बेटा सब डिवीजन के क्वेश्चन हैं। सब में आपने जो है वो क्या करना है, एक एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दो एक्सप्रेशन थी, उनको देखा हमने, डिवाइड किया, ये आंसर आ गया 51। क्वेश्चन नंबर 10 में दो एक्सप्रेशन हैं, ठीक है, तो दोनों को आपने क्या करना है, आपस में डिवाइड कराना है, आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में भी डिवाइड कराना है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी डिवाइड कराना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10, अब सब में ना कॉन्सेप्ट डिफरेंट उन्होंने करके दे दिए, डिवीजन के तो सारे क्वेश्चंस हैं, तो अब आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है, कह रहे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज दिस, ठीक है, इफ वन एक्सप्रेशन इज दिस फाइंड द अदर। दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट उसने दे दिया और बोल रहे दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट उसने दे दिया और एक एक्सप्रेशन दे दी, बोल रहा है दूसरी एक्सप्रेशन फाइंड करो। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा क्या, मल्टीप्लाई। उसने बोला कि अगर कोई भी दो एक्सप्रेशन हैं उनको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करके जो एक्सप्रेशन आ रही है उसने वो एक्सप्रेशन दे दी और उसने बोला एक एक्सप्रेशन तो ये, दूसरी आप फाइंड करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो आंसर आपके पास आ रहा है 6। दो नंबर्स हैं और मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है आपके पास 6। तो उसमें से मैं आपको एक नंबर बता दूं कि भाई एक नंबर तो 3 है, दूसरा नंबर फाइंड करें, ठीक है। तो दो नंबर का क्या बेटा प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है आपके पास 6, ठीक है। 6 जो है वो इन दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो एक्चुअली 6 है प्रोडक्ट दो नंबर्स का। कौन से दो नंबर्स, एक 3 और दूसरा मुझे नहीं पता। वैसे तो आप देख के फौरन बता देंगे कि सर 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल बात थी, लेकिन अगर कोई डिफरेंट वैल्यूज हों, ठीक है, कोई बड़ी वैल्यूज हों जिसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चेक नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे जरा देखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर है आपके पास दो टर्म, इनको मल्टीप्लाई करें तो दो टर्म का प्रोडक्ट आपके पास क्या है, 96। कोई भी दो टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट आपके पास है 96 है, मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा 96, ठीक है। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 96 कैसे आएगा, उसके लिए मैंने एक बता दिया नंबर, कि एक नंबर जो है वो है 3, दूसरा नंबर बताएं। तो अब आप क्या करेंगे कि भाई चेक करेंगे कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 96 टेबल पढ़ेंगे 3 का, ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, टाइम भी बचाना है। अब क्या करना होगा इसके लिए, अब देखें यहाँ पे 3 क्या हो रहा है बेटा, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके 96 के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 96, ठीक है,
ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 96 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब 96 को अगर हम 3 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमें ये वाली टर्म, हमें ये दूसरी टर्म मिल जाए। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 का कॉन्सेप्ट मैं आप समझा रहा था, ठीक है। तो 96 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर आ रहा है आपके पास 32, ठीक है। तो ये 32 दूसरी टर्म थी, तो ये 32 हमें नहीं पता था। उसने बोला कि भाई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है प्रोडक्ट उसने दे दिया। इसी तरह मैंने आपको बताया नंबर्स के से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट 96 है, उसमें से एक नंबर 3 है, दूसरा कैसे फाइंड करेंगे फॉरन। तो आपने बोला 3 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 96 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 32। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 96 है, वो कौन से दो नंबर हैं, एक 3 है दूसरा 9, एक 3 है दूसरा 32 है। तो 32 कहाँ से आया, ये 32 डिवाइड करके आया। किससे डिवाइड किया हमने, 96 से 3 को डिवाइड किया जो आपको एक नंबर दिया हुआ था, ठीक है। 3 पहले से गिवन था ना, कि ये 96 दो नंबर का प्रोडक्ट था, उसमें से 3 गिवन था पहले आपको, तो 3 को 96 से डिवाइड किया तो दूसरा नंबर भी आ गया। बिल्कुल यही कौन सा वो बता रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दिस। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट उसने पहले दे दिया, उसमें से बोला दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, दूसरी अलजेब्रिक मतलब उसमें से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसने दे दी, दूसरी फाइंड करनी है। तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है, उसके बाद उसमें से बोल रहा है कि इफ वन एक्सप्रेशन इज दिस 3x² - 7x + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। दूसरी फाइंड करें तो भैया प्रोडक्ट जो आपके पास गिवन है 12x⁴ - 34x³ + 37x² - 17x + 5, इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें 3x² - 7x + 5 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे रिमाइंडर में अभी 51 है, वहां पे रिमाइंडर में एक और पूरी एक्सप्रेशन आपके पास आ रही होगी, ठीक है, वो आपके पास आंसर होगा किसका, दूसरी एक्सप्रेशन जो जिसका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो दो एक्सप्रेशन होती हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे प्रोडक्ट आपको फाइंड करने, तो दो आपको एक्सप्रेशन होंगी, दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट यहाँ पे इन्होंने दे दिया, उसमें से एक एक्सप्रेशन दे दी 3x² - 7x + 5, दूसरी फाइंड करनी है, तो 3x² - 7x + 5 को डिवाइड कर दें ऊपर वाली प्रोडक्ट वाली जो बड़ी एक्सप्रेशन है उससे, तो आपके पास दूसरी एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल डिवीजन का प्रोसेस यही है, डिवीजन आप लोगों को डिवीजन का प्रोसेस आ चुका है, ठीक है बेटे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं किस तरह से जो है वो हमें क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है, ठीक है बेटे। तो अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने, अब देखें डिवाइड काम वही करना है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में भी वही डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब यहाँ पे उसने कॉन्सेप्ट चेंज किया कि भाई डिवीजन तो करना ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, क्वेश्चन को घुमा के दे दिया कि के की वैल्यू फाइंड करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, पूरी एक्सप्रेशन दे दी 2a⁴ + 3a³ - 4a² + 14a+k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a² - 2a+3। इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, कि अगर एक एक्सप्रेशन दूसरी एक्सप्रेशन से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो k की वैल्यू फाइंड करें, k की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई टर्म, कोई एक्सप्रेशन दूसरी एक्सप्रेशन से एग्जैक्टली डिविजिबल होती है तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या होता है, जीरो। रिमाइंडर क्या होता है बेटा, जीरो होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में एक ही काम है, क्वेश्चन नंबर 12 भी पढ़ देता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों जो हैं उनमें एक ही काम करना है, दोनों बिल्कुल सेम एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। तो 11 मैं करवा रहा हूँ, 12 आप करेंगे, जिस तरह से 9 मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया, क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आप लोगों का होमवर्क होगा, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेते हैं। कह रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ठीक है, के की वैल्यू यहां पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर कह रहे थे एक्सप्रेशन गिवन है 2a⁴
नेक्स्ट प्रेजेंट 2a की पावर 4 प्लस 3a³ माइनस 4a² प्लस 14a+k प्लस 14a+k ठीक है, वो सही से लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस 14a+k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a² माइनस 2a+3। ठीक है बेटा, a² माइनस 2a+3। अब यहां पे आपने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है और बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन से ये वाली एक्सप्रेशन एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, ये कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन से क्या है बेटा, एग्जैक्टली डिविजिबल है। मतलब इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो अगर ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है तो k की वैल्यू फाइंड करें। तो k की वैल्यू नहीं पता, अगर k की वैल्यू पता होती तो यहाँ पे पुट करते, दोनों को डिवाइड करते, रिमाइंडर क्या आ जाता, जीरो आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है k, तो जो भी वैल्यू एंड में बचेगी तो रिमाइंडर को जीरो एज्यूम करके जो है वो हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के हैंड डालेंगे। ठीक है, और इसको करेंगे डिवाइड। और डिवाइड किस तरह से करेंगे, डिवाइड करते हैं सामने, ठीक है, ताकि आपको सही से नजर भी आ जाए और समझ में भी आ जाए। अच्छा बेटा देख लीजिएगा, कि भाई a² माइनस 2a+3 इससे डिवाइड करना है, तो a² माइनस 2a+3 इसको लिख दिया बाहर। और जिस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है, ठीक है, उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे अंदर। तो 2a की पावर 4 प्लस 3a³ माइनस 4a² प्लस 14a+k। ठीक है बेटे, अब आपने इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से करना है डिवाइड। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को जब डिवाइड करना है तो डिवाइड कैसे करेंगे, डिवीजन वाला रूल आपको आता है। और एंड में आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, कि भाई अंदर जो है डिवीजन के साइन के आप देख सकते हैं 2a की पावर 4 ये टर्म है, 2a की पावर 4। अब आपने a² को एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाए 2a की पावर 4। तो a² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 2a की पावर 4 आ जाए, तो उसके लिए आपने देखा कि भाई a² को अगर हम यहाँ पे 2a² से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, a² को अगर हम 2a² से मल्टीप्लाई करें कि आ जाएगा आंसर 2a की पावर 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2a² को a² से मल्टीप्लाई करें 2a की पावर 4। सही है, तो 2a² को a² से मल्टीप्लाई किया 2a की पावर 4। अब सिर्फ 2a² को a² से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, अब आपको पता है इन तीनों से मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी टर्म यहाँ पे हम ऊपर सेलेक्ट करेंगे इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो 2a² को a² से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर 2a² को माइनस 2a से मल्टीप्लाई करना है। 2a² को माइनस 2a से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 2 2 4। a² से a² को a से मल्टीप्लाई करेंगे a³, तो देखें यहाँ पे 4a³ आ रहा है, तो a³ वाली टर्म है बिल्कुल है। तो यहाँ पे 2a² को जब 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले करेंगे साइन को मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 2 2 4। ठीक है, a² को a से मल्टीप्लाई किया तो a³, फिर अब 2a² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a² को 3 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाएगा, 6a², तो a² वाली टर्म है बिल्कुल है, इसके नीचे लिख देंगे प्लस 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 2 3 6
ए स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो आपने फर्स्ट टर्म को देख के एक टर्म आपने सेलेक्ट कर ली 2a² और उसको तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे करते हैं कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, क्योंकि अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो अब ये जो वैल्यूज आई हैं इसको ऊपर वाली एक्सप्रेशन से क्या कराते हैं, सबट्रैक्ट कराते हैं। और सबट्रैक्ट कराने के लिए हमें साइन चेंज करनी होती है नीचे वाली एक्सप्रेशन की, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, ठीक है। तो 2a की पावर 4 दोनों सेम वैल्यूज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल। आगे चलते हैं, तो 3a³ अब ये प्लस हो गया, 4a³ पहले नेगेटिव था, अब ये टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव। तो 3a³ प्लस 4a³ ऐड करा दें, आंसर आ जाएगा 7a³, ठीक है बेटे। माइनस 4a² माइनस 6a², माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस 4a² प्लस 6a², माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड करा दें, 4 प्लस 6 10a² साथ में आ जाएगा दोनों के। तो 4a² 6a² ऐड कराने पे 10a² ऐड क्यों कराया, क्योंकि ये वाली टर्म भी नेगेटिव है, 6a² भी क्या है बेटा, ये भी टर्म नेगेटिव, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस करके लिख दिया। फिर ऐड सबट्रैक्ट करने में साइन बड़ी वैल्यू की आती है, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू की साइन सेम है, या 6a² बड़ी टर्म है इसके साथ माइनस की साइन है, तो जब दोनों के साथ माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आ जाएगी। लेकिन रूल क्या है कि बड़ी वैल्यू की जो साइन होती है वो आती है, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 6a² है, नेगेटिव है, नेगेटिव की साइन आ गई, ठीक है। वैसे भी दोनों की साइन सेम है, तब भी आपने देखा माइनस की साइन ही आएगी। तो माइनस 4a² माइनस 6a² आंसर आ गया माइनस 10a², बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे, ठीक है। ये दोनों टर्म जो हैं वो एज इट इज आ जाएंगी, प्लस 14a + k। अब आपके पास ये वैल्यू बच गई, इसको डिवाइड कराना है इस एक्सप्रेशन से। फिर आपके पास अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, 7a³। फिर 7a³ के लिए वही रूल कि अब ये फर्स्ट टर्म है, a² को किससे मल्टीप्लाई करें, 7a³ आ जाए। और आंसर ये देखें, ये टर्म पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव में टर्म चाहिए होगी। तो 7a³ है, a² को किससे मल्टीप्लाई करें, देखें a² को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ आ जाएगा, a² को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे a³, लेकिन 7a³ चाहिए तो उसके लिए आपने कौन सी टर्म ले ली, और पॉजिटिव में टर्म चाहिए तो आपने लिखा प्लस। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 7a, क्या ले लूँ 7a, पॉजिटिव टर्म है तो आंसर मतलब ये टर्म भी आप पॉजिटिव में चाहिए होगी तो प्लस में लिख लिया इसको, ठीक है। और 7a³ चाहिए, a² है तो 7a को a² से मल्टीप्लाई करें, 7a³ आ जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई, 7a को a² से मल्टीप्लाई किया, 7a³, ठीक है। फिर 7a को -2a से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 7 × 2 = 14, a को a से मल्टीप्लाई करें बेटा a². फिर 7a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस प्लस, 7 × 3 = 21, और साथ में a आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने फर्स्ट टर्म को देखते हुए एक टर्म डिसाइड की 7a, और 7a को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपने लिख दिया। यहाँ पे फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद साइन इनकी चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, नेगेटिव, इस कन्वर्ट कर दिया साइन को। फिर आपने 7a³ पॉजिटिव, 7a³ नेगेटिव, इनको क्या करा, कैंसिल। फिर आपके पास जो टर्म है उनको सॉल्व करके लिख लेंगे, माइनस 10a² प्लस 14a², तो बेटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 14a² में से 10a² को माइनस करें, आंसर आ जाएगा 4a² क्या आ जाएगा बेटा, 4a², और साइन बड़ी वैल्यू की प्लस की साइन है, प्लस की साइन रहेगी। तो माइनस 10a² प्लस 14a² आंसर आ गया प्लस 4a², फिर प्लस 14 है माइनस 21 है, प्लस माइनस, ये टर्म क्या हो गई, माइनस ना, तो प्लस माइनस माइनस, 21a में से 14a को माइनस करें, आंसर आ जाएगा बेटा 7a, और साइन प्लस माइनस में हमेशा किसकी आती है, बड़ी वैल्यू की, और बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 21a, इसकी साइन नेगेटिव थी तो माइनस की साइन आ गई। तो माइनस प्लस माइनस, 21a में से 14a को माइनस किया, आंसर आ गया माइनस 7a, ठीक है। और ये जो k है ये एज इट इज नीचे उतर जाएगा, प्लस k आपने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, बाहर है a², अंदर बच गई टर्म, तो इस टर्म को इस टर्म से, इस पूरी एक्सप्रेशन से सेपरेट कराने, तो अंदर आपके पास है 4a², तो बाहर है a², तो आपने वही फर्स्ट टर्म वाला रूल कि भाई फर्स्ट टर्म है आपके पास 4a², तो आपको 4a² ही चाहिए। तो यहाँ पे a² है, a² को किससे मल्टीप्लाई करें 4a² आ जाए,
तो बेटा ए स्क्वायर को सिर्फ अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 ए स्क्वायर आ जाएगा, और टर्म किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, पॉजिटिव टर्म चाहिए, तो यहाँ पे हम सिर्फ प्लस 4 ले लेंगे, या प्लस 4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, प्लस 4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4 ए स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आपने जैसे ही 4 लिखा तो 4 को सिर्फ फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके थोड़ी लिखते हैं, इस 4 को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस सेकेंड टर्म से कर रहे हैं आप, 4 टू ज़ा 8 ए, ठीक है, प्लस 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 4 थ्री ज़ा 12, 4 थ्री ज़ा 12 लिख लें यहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्टेंट साइड में लिख लें उसको, ठीक है, या के नीचे लिख लें, आखिरी टर्म बची है आपके पास। तो आपने क्या करा, 4 सेलेक्ट किया, 4 को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपने लिख दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन इसकी करेंगे चेंज, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 4 ए स्क्वायर पॉजिटिव, 4 ए स्क्वायर नेगेटिव, दोनों को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस 7 ए प्लस 8 ए, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 ए माइनस 7 ए प्लस माइनस माइनस 8 ए में से 7 ए को माइनस करें, आंसर आएगा 1 ए, 1 लिखते नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। और साइन हमेशा किसकी आएगी बेटा, बड़ी वैल्यू की, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 ए, तो आंसर प्लस, साइन प्लस की आएगी, क्योंकि 8 ए के साथ प्लस की साइन है, तो यहाँ पे प्लस की साइन आएगी, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 7 माइनस 7 ए है प्लस 8 है, इनको सॉल्व करके ए आया, तो ए कैसे आया कि 8 प्लस माइनस माइनस 8 ए में से 7 ए को माइनस करें, आंसर आ जाएगा ए, ठीक है, प्लस का ए आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। फिर आप देख सकते हैं आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस, ये देखें प्लस 12, ये के और माइनस 12 ये तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते ना, तो इन दोनों को एज इट इज नीचे उतार लेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये लिखें कि माइनस, ये प्लस 12 तक क्या हो गया, माइनस 12, तो माइनस 12 और ये ऊपर से के आ जाएगा प्लस के। तो आपने देखा कि आपने इनको सॉल्व करके ए आ रहा था, फिर ये आपके पास ये जो टर्म बच गई, इसको आप साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आपने पहले लिखा माइनस 12, ठीक है बेटे, और माइनस 12 पहले नीचे आ गया, फिर आपने के जो है, जो ऊपर वाली बच गई थी, उसको एज इट इज नीचे उतार लिया। अब आपके पास इस टर्म आ गई ए माइनस 12 प्लस के। अब आप इस, ये जो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है ए माइनस 12 प्लस के, ये मजीद सॉल्व, मजीद ए स्क्वायर, बाहर बड़ी टर्म है, अंदर छोटी टर्म हो गई, तो अब ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है। लेकिन इससे अपने आप, इससे अब आपने के की वैल्यू, सवाल क्या था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू फाइंड करनी है, और के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने देखा कि क्या लिखा हुआ था, कि ये जो एक्सप्रेशन है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, ये एक्सप्रेशन इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, डिविजिबल होगी अगर एग्जैक्टली, तो इसका मतलब क्या है, के रिमाइंडर क्या होगा बेटा, जीरो, रिमाइंडर जीरो होगा। तो ये जो आपके पास रिमाइंडर आपके पास आ रहा है, रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, ए माइनस 12 प्लस के, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, यहाँ पे जीरो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे के है और के सॉल्व नहीं हो रहा, इस वजह से आपके पास रिमाइंडर आ गई, वैल्यू वैल्यूज आ गई रिमाइंडर में। लेकिन डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्सप्रेशन किसी एक्सप्रेशन से एग्जैक्टली डिविजिबल होती है तो रिमाइंडर क्या होता है, जीरो। तो हमने बोला रिमाइंडर जीरो है, जीरो के बराबर है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये रिमाइंडर क्या होगा बेटा, जीरो। तो आपने इस पूरे रिमाइंडर को किसके बराबर सपोज कर लिया, जीरो के। क्यों किया, क्योंकि आपने यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये जो बाकी दोनों, के की वैल्यू चाहिए तो के को यहीं रहने देंगे, बाकी दोनों टर्म को दूसरी तरफ भेज देंगे। जब दोनों टर्म को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, जरा देख लीजिएगा, ठीक है, के यहीं रहेगा बेटा, तो माइनस 12 उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा, और प्लस ए उधर जाके माइनस ए हो जाएगा, और के की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस ए, ठीक है बेटा, के की वैल्यू आ गई 12 माइनस ए। के की वैल्यू चाहिए थी, माइनस 12 उधर जाके क्या हो गया प्लस 12, प्लस ए उधर जाके क्या हो गया माइनस ए, राइट साइड पे भेज दिया, और के की वैल्यू आ गई 12 माइनस ए, और ये आपके पास आ गया आंसर। इसका आंसर अगर बुक से आप मैच करेंगे, बुक से देखेंगे, तो बुक में आ रहा होगा 11, लेकिन बुक में आंसर इसका 11 जो है आ रहा है, लेकिन
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बुक का जो आंसर है वो गलत है। वो क्यों? क्योंकि बुक में आ रहा है आंसर 11, लेकिन आपका जो एग्जैक्ट आंसर है इसको सॉल्व करने पे वो क्या आएगा, 12 माइनस a। क्या आ रहा है बेटा? 12 माइनस a। k की वैल्यू फाइंड कर ली और k की वैल्यू आ रही है 12 माइनस a। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे एक बात और लिखी हुई होती, अगर बुक का आंसर आ रहा है 11 और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर देते कि भाई एंड में जो ए बचेगा उसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं, तो ए की जगह अगर हम 1 पुट करें तो 12 माइनस 1 क्या आ जाएगा आंसर? वही 11 जो बुक का आंसर आ रहा है। तो बुक में अगर आ रहा है 11 आंसर, लेकिन बुक का जो क्वेश्चन है वो ये है, तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 12 माइनस a, और यही इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है। तो बुक वाला आंसर जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो गलत है। ठीक है बेटे, तो ये आपका आंसर आ गया, तो बुक वाले आंसर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो ये आंसर आ रहा है, बुक में आंसर जो है वो चेंज है, हमारा आंसर गलत आ रहा है। नहीं बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, हमने जो सॉल्व किया आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बुक वाले आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, इस वजह से जो है वो हम इसी आंसर को अपना आंसर कंसिडर करेंगे। ठीक है बेटे, तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 होगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 में ये ए वगैरह नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे तो आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज सॉल्व करेंगे, उसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो आप दोनों को लिखेंगे, फिर आप उसको जीरो के बराबर सपोज करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बचेगा -12 + k, तो -12 को उधर भेज के +12, तो k की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो वहाँ पे जो है एक कांस्टेंट वैल्यू और k आ रहा होगा। ठीक है, दोनों को लिखेंगे और जीरो के बराबर सपोज करके दूसरी तरफ टर्म को भेज के k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह ही होगा। ठीक है बेटे, तो आपने क्वेश्चन नंबर 11 देखना है किस तरह सॉल्व हुआ, इसको सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन नंबर 12 में तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आके आप लोगों की एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर हमने बहुत मेन ऑपरेशन सीखे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जिसके अंदर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा और डिवाइड करना सीखा। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके आपके पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 मार्क कर लिएगा। और मैंने आपको दो क्वेश्चन जो हैं वो होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका होमवर्क है। ये दो क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को सॉल्यूशन इसका भेज दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा किस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है बेटे, तो क्लास में आप एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।